सी फर्स्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों का क्रीचॉफ लॉ में क्रीचॉफ के दो लॉ है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। इसके ऊपर क्वेश्चन कौन से टाइप का आ सकता है, तो आप लोगों का क्रीचॉफ का जो लॉ है उसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है कि क्रीचॉफ का फर्स्ट लॉ को हम लोग करंट लॉ बोलते हैं, जंक्शन लॉ बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ बोलते हैं, ऐसे एमसीक्यू भी आ सकता है और क्रीचॉफ का फर्स्ट लॉ लिखने को आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो क्रीचॉफ का फर्स्ट लॉ आप लोगों को क्या बोलता है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। अब ये जंक्शन क्या होता है, जंक्शन मतलब एक पॉइंट जहां पे सब करंट मिलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं अपने को, द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो, ठीक है। उसका मैथमेटिकल इक्वेशन है समेशन ऑफ आई, वेर आई स्टार्ट फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू एन इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, सपोज हम लोगों को ऐसा लिखना है x1 प्लस x2 प्लस x3, तो हम लोग हर बार इतना नहीं लिख सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे समेशन एक्स आई, आई कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, तो आई इज इक्वल टू 1 और आई का फाइनल वैल्यू क्या है 3, तो एन इज इक्वल टू 3। ओके, तो अगर सपोज हम लोगों को इक्वेशन ऐसा लिखना है आई वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस सो ऑन एक्स एन, तो हम लोग ये इक्वेशन को जनरलाइज इक्वेशन कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई, आई कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, ओके, कहाँ पे एंड हुआ, एन तक, तो इसके लिए हम लोग ने लिखा एन। तो ये है उसका जनरलाइज इक्वेशन, करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, आई इज इक्वल टू 1 से और कहाँ पे एंड होगा, एंड तक। ओके, तो अब इसका जो जंक्शन लॉ है वो देखते हैं। अगर आप लोग ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे जो सेंटर का पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग करंट आता है, सबसे पहले आई वन जा रहा है टूवर्ड्स द जंक्शन। ओके, आई वन करंट देखो टूवर्ड्स द जंक्शन, आई टू करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, आई थ्री टूवर्ड्स द जंक्शन, आई फोर टूवर्ड्स द जंक्शन, आई फाइव अवे फ्रॉम द जंक्शन, आई सिक्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। ओके, तो पॉजिटिव साइन कहाँ पे लिखना है, जो कि जंक्शन के पास जाता है, नेगेटिव साइन कहाँ पे लिखना है, जो कि जंक्शन से दूर जाता है। तो इसका हम लोग लिखेंगे पूरा एक इक्वेशन। तो सबसे पहले आई वन देखो टूवर्ड्स द जंक्शन है, तो हम लोग ने क्या लिखा, पॉजिटिव आई वन। आई टू देखो अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो लिखेंगे नेगेटिव आई टू। आई थ्री टूवर्ड्स द जंक्शन है, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आई थ्री। आई फोर टूवर्ड्स द जंक्शन है, तो क्या लिखेंगे, प्लस आई फोर। आई फाइव अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो क्या लिखेंगे, माइनस आई फाइव। आई सिक्स अवे फ्रॉम द जंक्शन है, तो क्या लिखेंगे, माइनस आई सिक्स। ओके, तो अभी लॉ देखो क्या बोलता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट, मतलब इन लोगों का जो भी सम रहेगा एट एनी जंक्शन, ठीक है, एट यहाँ पे जो जंक्शन है वहां पे कितना रहेगा, तो जीरो। तो यहाँ पे इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो। समझा, तो ये है आप लोगों का किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो, ठीक है, सिंपल है।